नमस्कार दोस्तों, आज हम बोस डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि कंपास सर्वे में यूज होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है? द लाइन और रेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल के से जो भी लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड द ट्रू मेरिडियन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहा जाता है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहा जाता है। ये लाइन फिक्स होती है। ओके, ये लाइन कभी वेरी नहीं करती किसी भी जगह पर। दिस इज फिक्स। लेकिन जो ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स आर अज्यूम्ड टू बी पैरेलल। ओके, जब हम छोटे एरिया का सर्वे करते हैं तो हम ट्रू मेरिडियन और उसको मान एक मेरिडियन मानते हैं, उसको हम उसके पैरेलल मान लेते हैं। दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ट्रू मेरिडियन। ओके, दैट मेरिडियन इज पैरेलल टू ट्रू मेरिडियन दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ट्रू मेरिडियन व्हेन वी सर्वे फॉर स्मॉल एरिया। और जो ट्रू मेरिडियन से जैसे लाइन की बेयरिंग दी जाती है, ट्रू मेरिडियन से जो लाइन की बेयरिंग दी जाती है, मान लीजिए किसी जगह की लाइन है, ये ट्रू मेरिडियन है। ओके, मान लीजिए दिस इज ट्रू मेरिडियन। ओके, नॉर्थ है और जो इससे लाइन से बेयरिंग लाइन है, ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द थीटा, ये ट्रू नॉर्थ से है। तो दैट इज कॉल्ड द बेयरिंग इज कॉल्ड द ट्रू बेयरिंग। ओके, दैट इज बेयरिंग इज कॉल्ड द ट्रू बेयरिंग। ओके, बिकॉज इट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रू बेयरिंग। और ट्रू बेयरिंग और दूसरी होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है? जो मैग्नेट जो हम किसी मिनरल को मैग्नेटिक मिनरल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो बेयरिंग तो जो वो डायरेक्शन दिखाती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर हम किसी मिनरल को मैग्नेटिक मिनरल को ऐसी फ्रीली सस्पेंड करेंगे जो नॉर्थ दिखाएगी दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ। और जो उसके आगे से जो बेयरिंग ली जाएगी थीटा दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक बेयरिंग। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से लोगे तो मैग्नेटिक बेयरिंग, अगर ट्रू नॉर्थ से लोगे तो ट्रू बेयरिंग। ओके, मैग्नेटिक बेयरिंग अगर ट्रू नॉर्थ से लोगे तो ट्रू बेयरिंग। थर्ड इज आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या था? किसी भी एरिया के लिए हम कोई भी डायरेक्शन को नॉर्थ मान सकते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेरी मेरिडियन। और इसके रिस्पेक्ट जो बेयरिंग देते हैं दैट इज थीटा, दैट इज द आर्बिट्रेरी बेयरिंग। ओके, ये स्मॉल सर्वे के लिए यूज होता है। तो दिस आर द अनदर डेफिनेशन यू कैन सी। ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है? ग्रिड मेरिडियन होता है कि भाई समटाइम्स किसी भी जगह को, ओके, पर्टिकुलर जोन को हम अज्यूम्ड बेयरिंग मान लेते हैं। तो दैट इज पैरेलल बेयरिंग्स मान लेते हैं। ट्रू ट्रू पैरेलल टू ट्रू मेरिडियन बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रिड मेरिडियन। और जो जो लाइंस होती है दैट इज कॉल्ड द ग्रिड लाइन। अब इस जरा इस दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ओके, दिस इज ट्रू ट्रू नॉर्थ। बेसिकली ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज ट्रू नॉर्थ। ओके, दिस इज बेसिकली इज ए ट्रू नॉर्थ। ओके, ट्रू नॉर्थ। ओके, और ये जो मेरिडियन है ये वाली, ओके, दिस मेरिडियन इज ट्रू मेरिडियन। ये जो अलग है मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, तो ये जो बेयरिंग है दिस इज ट्रू बेयरिंग, दिस इज मैग्नेटिक बेयरिंग। लाइन वही है ए बी, तो इसकी दो बेयरिंग हो गई, एक तो ट्रू बेयरिंग एक मैग्नेटिक बेयरिंग। और जो दोनों ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड द डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, बेयरिंग कोई लाइन ए बी है, इसकी जो ट्रू नॉर्थ से लोगे तो ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक नॉर्थ से लोगे तो मैग्नेटिक बेयरिंग। और दो प्रकार की बेयरिंग होती है, एक तो होती है होल सर्कल बेयरिंग, एक होती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। ओके, ये नॉर्थ है, ये लाइन मान लीजिए ए बी है, तो ये जो थीटा वन है ये आपकी होगी होल सर्कल बेयरिंग, और एसी की जो थीटा टू है
और AD की थीटा 3 है और AE की थीटा 4 है, ये सारी आपकी होल सर्कल बेयरिंग है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ है और ये क्लॉकवाइज मेजर की गई है, तो दिस कॉल्ड द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन। ओके, डब्ल्यू सी बी। अनदर इज क्यू बी। क्यू बी क्या होती है, इसी केस में देखें तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और ए बी लाइन होगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ थीटा 1, तो नॉर्थ थीटा 1 ई इज द क्वाड्रेटरल बेयरिंग। ये दूसरा, ये अगर ए सी को देखें तो दिस इज से थीटा 2, इन दिस केस दिस विल बी थीटा 2, देन इट विल बी साउथ थीटा 2 सी। सिमिलरली ए डी को देखें दिस विल बी थीटा 3। ओके, क्वाड्रेंट आपका थर्ड है तो देन साउथ डब्ल्यू साउथ वेस्ट थीटा 3। सिमिलरली इसको देखें ए ई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा 4 है। ओके, दिस विल बी नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। ओके, ये जो क्वाड्रेंट बेयरिंग में ये दिखाता है कि ये इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है और नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये एंगल बना रहा है थीटा 4। ओके, ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है और ये साउथ से बना रहा है थीटा 3। ओके, इस प्रकार से एक लाइन सेम लाइन की आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कैसे क्वाड्रेटरल बेयरिंग से होल सर्कल बेयरिंग में बना सकते हैं और होल सर्कल बेयरिंग से क्वाड्रेटरल बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गए आपको सेम डब्ल्यू सी बी आर बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी। अगर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग बताया। ओके, अगर 180 माइनस डब्ल्यू सी बी तो ये कन्वर्जन है रिड्यूस बेयरिंग से क्वाड्रेटरल बेयरिंग में कैसे करना है और क्वाड्रेटरल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन रटने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, जस्ट ड्रॉ द फिगर एंड कन्वर्ट इट। ओके, तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई क्या बनेगा। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक ये है फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ए भी एक लाइन है। ओके, इसका थीटा है ये फोर बेयरिंग है और ये जो है थीटा 1 इज बैक बेयरिंग। सिमिलरली ए बी एक लाइन है, दिस थीटा 1 इज, अगर बी ए से देखेंगे तो बी ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन कर रहे हैं, तो बी ए इज द फोर बेयरिंग, दिस थीटा इज द फोर बेयरिंग एंड थीटा 1 इज द बैक बेयरिंग। ओके, जहां से देख रहे हैं जिस तो अगर इंस्ट्रूमेंट इसमें यहाँ पर है। ओके, दिस विल बी फोर बेयरिंग और उसकी जो उल्टा होगा वो दैट इज कॉल्ड द बैक बेयरिंग। तो फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और बैक बेयरिंग को हम फोर बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जैसे मैं बता दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में जो थीटा होता है डिफरेंस होता है दैट इज द डिक्लिनेशन। अगर थीटा इस तरफ हो मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ तो फिक्स है, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है तो थीटा इज राइट हैंडेड तो दैट इज कॉल्ड द ईस्ट डिक्लिनेशन, और मैग्नेटिक नॉर्थ उस तरफ हो तो दैट थीटा इज कॉल्ड द वेस्ट डिक्लिनेशन। ओके, ईस्ट डिक्लिनेशन एंड वेस्ट डिक्लिनेशन। और जो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं अर्थ पे ड्रॉ की गई हैं ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन दैट इज कॉल्ड द आइसोगोनिक लाइंस, दैट इज कॉल्ड द आइसोगोनिक लाइंस। ओके, हैविंग द सेम डिक्लिनेशन एट ऑल द पॉइंट्स, जिसका जीरो डिक्लिनेशन हो दैट इज कॉल्ड द एगोनिक लाइन। तो डिक्लिनेशन 3 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट आपको समझ गया, ट्रू नॉर्थ हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा वर्टिकल रहेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर या उधर वेरी करेगा, उस हिसाब से डिक्लिनेशन ईस्ट या वेस्ट बन जाएगी। ओके, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, किसी भी स्थान पर डिक्लिनेशन फिक्स नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन एनुअल वेरिएशन होता है, सेकुलर वेरिएशन होता है। सेकुलर वेरिएशन एक कुछ टाइम के लिए, सेकुलर वेरिएशन का मतलब है कुछ टाइम के लिए डिक्लिनेशन इस तरफ बढ़ती जाएगी ईस्ट की तरफ और उसके बाद वापस वेस्ट की तरफ बढ़ेगी, ये पेंडुलम की तरह एक्ट करती है। ओके, तो एनुअल वेरिएशन मीन्स एनुअली जो डायरेक्ट वेरिएशन आता है मैग्नेटिक मेरिडियन में दैट इज कॉल्ड द एनी डिक्लिनेशन में दैट इज कॉल्ड द एनुअल वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। ओके, डायरोनल वेरिएशन कहते हैं जो 24 घंटे में आता है दैट इज कॉल्ड द डायरोनल वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन मीन्स कभी कभी अचानक अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्कनिक इरप्शन की वजह से जो वेरिएशन आता है डिक्लिनेशन में दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर वेरिएशन। डिप ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल। ओके, डिप क्या होती है,
डिप होती है कि भाई मैग्नेट नीडल फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, देयर इज सम एंगल, इट हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड द डिप। ओके, नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल इज डिप जो होता है वेरी करता रहता है, और ये डिप जो होता है अगर नॉर्थ पोल पे चला जाओ तो डेट विल बी कम्स आउट टू बी कम्प्लीट डिप, 90 डिग्री डिप हो जाएगा। इसके डिप को दूर करने के लिए हम कुछ इसमें राइडर लगाते हैं ताकि वो मैग्नेटिक डिप को अवॉइड कर सके। लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन क्या होती है, जब हम देखते हैं किसी भी स्टेशन पे तो कई वजह से आपके लोकली पोल, इलेक्ट्रिक पोल की वजह से वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाते और उसकी वजह से वो एंगल में वेरिएशन आ जाता है। आप देखेंगे किसी भी लाइन को, अगर आप मान लीजिए एक इस ये लाइन है ए बी, ओके, अगर आपने यहाँ से लिया 30 डिग्री आ गया, ओके, अगर यहाँ से लिया तो 130 जमा 180 210 आना चाहिए, लेकिन 210 की जगह 209 आ रहा है, तो देर इज वन ऑफ द स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। जब फोर बेयरिंग और ब्रेक बेयरिंग में प्रॉपर नहीं होता, नहीं बन पाता, वो प्रॉपर जो डिफरेंस नहीं होता, तो वो लोकल अट्रैक्शन की वजह से एंगल तो नेगेटिव नीडल ठीक नहीं, ठीक रीडिंग नहीं देती। तो ये वेरियस मेथड थे जो हमने पढ़े, वे डेफिनेशंस पढ़ी। थैंक यू।